أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. This is a very auspicious occasion. I am very glad for getting this opportunity to address you in this gathering, as many leaders of different organizations who have been fighting for justice in this country are gathered in a session. Main aapko Maulana Abulala Maududi sahab ka ek kehna samne rakh ke mera baat shuru karna chahta hu. Itne bewakoof ho gaye the ke इतने बेवकूफ हो गए थे कि असाए मूसा बगल में था लेकिन रासियों और लाठियों देखकर कांप रहे थे. ये एक जमान में मौलाना मौदूदी साहब ने कहा गया था, जब पूरे मुसलमान लोग एक गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए कोशिश कर रहे थे, एक लीडर को ढूंढ रहे थे, पूरा मुसलमान का पॉलिटिकल पावर डाउनफॉल हो चुकी थी, उस टाइम पे मौलाना मौदूदी ये बात आप तमाम लोगों के सामने रखा है. इसमें ये बोलने का शौक, ये बोलने का मोटिवेशन वो इस्लाम से मिला है. उनको पता चला था इस्लाम की पोटेंशियल कितना था. ये है एसआईओबी, ये लेकर काम करने के लिए है एसआईओ की उम्मीद. इसके लिए कैंपसस में एसआईओ कोशिश कर रहा है. हमको पता है हम किस मुल्क में, किस हालत पे हम जी रही है. हियर अट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड दलित्स आर एस्केलेटिंग. व्हाई दिस अट्रोसिटीज आर एस्केलेटिंग, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वी हैव टू अगेन एंड अगेन थिंक ऑफ इट. There is nothing but इसमें बहुत बड़ा atrocities मुसलमान के ऊपर इंडिया में चल रहा है. इसके एक बड़ा कारण यह है, इधर कुछ लोग के पास पावर है, उनके अंदर एक superiority syndrome चल रहा है. ये syndrome को हटाने के लिए कोशिश करने का ताकत, potential इस्लाम और मुसलमानों के बीच में है. वो हटाने के लिए और रोकने के लिए मुसलमानों का ऊपर अट्रोसिटीज ज्यादा करने का फैसला इसलिए वो लोग तय किया है. ये तो ये बात हम समझाना है. मैं जो आपके सामने एक आयत बोला है वो एक इंसिडेंट है. वो मूसा अलैहिस्सलाम का फरौआ के खिलाफ लड़ने का एक मौका पे एक वो स्टोरी बोल रहा है. इसमें एक आयत का एक्सप्लेनेशन हम देखे तो मौलाना मौदूदी साहब का जो वो मोटिवेशन हमको समझ सकता है. असाए मूसे का पावर क्या है वो समझ सकता है. ये आयत ये टाइम पे हुआ है. फरौआ
के खिलाफ लड़ने के बाद अपने बंदों से लेकर बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे. उस टाइम बहुत बड़ा डिफिकल्टी हो गई. सामने रेड सी आ गया, पीछे एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी आ रहा था, बीच में मुसलमान लोग गड़े रहे थे. हम ऐसा एक पहलू पे जी रहा है. लेकिन ये आयत में ऐसा एक मौके पे हम क्या सोचेंगे? जरूर हम सोचेंगे ये बहुत डिफिकल्ट है हमको. वी विल फील दैट वी आर वी हैव बीन गॉट ट्रैप्ड, वी कुडंट गेट एस्केप्ड फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन. दैट इज ए नॉर्मल वेरी नेचुरल रिएक्शन. बट एट द सेम टाइम मूसा का रिप्लाई, मूसा अलैहि सलातु वसलाम का रिप्लाई दूसरा था. इन रब्बी इन माई रब्बी सयहदी. व्हेन मूसास कंपेनियंस सेज सेड दैट वी हैव बीन गॉट ट्रैप्ड, नो देयर इज नो वे आउट, बट इन्ना लमुद्रकुन, बट मूसा अलैहि सलाम सेड No, my God is with me. He will definitely guide me through this. That was the reaction from Musa alayhi salam. So Musa alayhi salam, sallallahu alayhi salam ka, Musa alayhi salatu wasalam ka focus, problem, wo mob lynching pe nahi the. Wo sare problems ki upar nahi the. Lekin उनका यकीन अल्लाह की ईमान में थे. उनको पता था कहीं भी हमको एक रास्ता दिखा सकता है, अल्लाह जरूर एक रास्ता दिखाएंगे. वो मूसा अलैहिस्सलातु वसलाम का यकीन था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलातु वसलाम ऐसा बोला. हम भी ऐसा एक मौके पे जी रही है. अल्लाह कुरान में बोला इन्नमा अल उसरी युसरा. यस, देर इज अ वे आउट, देर इज एन ईजीनेस विद द डिफिकल्टीज ओनली. व्हेन बैरियर्स कम्स बिफोर अस वी विल बी बैरियर्स. यस, बिफोर अस देर इज अ वे, देर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम बैरियर्स व्हेन बैरियर्स कम्स बिफोर अस. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी that we have to take advantage of this opportunity to become various. Iske liye hum SIO campuses mein koshish karta hai. Isliye when liberation ke upar Islam ke roshni sab logon ke samne rakha hua aadmi Maulana Maududi sahab ko ek extremist ka सोर्स बनने के लिए, एक्सट्रीमिस्ट का सोर्स जैसा पोर्ट्रे करने के लिए ये लोग कोशिश करता है. लेकिन हमको पता है इस्लाम ऐसा एक वो है, इसलिए इसको इसके खिलाफ एक नजर देने का एक शौक, एक कोशिश एसईओ से चल रहा है. वो लोग एक्सट्रीमिस्ट का सोर्स का एक पोर्ट्रेट करने के लिए कोशिश करने का वक्त, वही वक्त हमारा कैंपस से ये नारा हमको सुना सकता है, मौदूदी जिंदा है, जिंदा है. इसके लिए एक कॉन्फिडेंस होना है. इस्लाम की पोटेंशियल क्या है ये समझ ना सकता है. इसके वो समझने ये कॉन्फिडेंस बनने में एसईओ बहुत कोशिश कर रहा है. इसलिए ऐसा एक मौके पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होने के वक्त एसईओ लोगों बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मौदूदी का जिंदा है बोल के नारा
लगाया हुआ है. ये हम बहुत ध्यान से बहुत ध्यान रखना होगा. हमारे साथ एक मौका आया है, ये मौका हम यूटिलाइज करना पड़ेगा. जरूर ना इंसाफ को हमको हटा सकता है, हमको वारियर भी बन सकता है. वाखर दवाना अनिल हमदुल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.